आजकल ये काफी देखने और सुनने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या के चलते या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से एक दूसरे पर झूठी एफआईआर फाइल करवा देते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। अगर आपके खिलाफ एक बार एफआईआर फाइल हो जाती है तो इसमें आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर फाइल करवा देता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑफेंस यानी अपराध दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉग्निसेबल ऑफेंस यानी बड़े तरह के अपराध होते हैं जिसके अंतर्गत मर्डर, रेप और चोरी आता है। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निसेबल यानी नॉन सीरियस क्राइम। कॉग्निसेबल ऑफेंस यानी बड़े अपराध में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर फाइल की जाती है, जबकि नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस यानी छोटे किस्म के अपराध में एनसीआर फाइल की जाती है। कॉग्निसेबल ऑफेंस होने की सिचुएशन में पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस की सिचुएशन में पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किसी भी पर्सन के खिलाफ यदि एफआईआर फाइल हो जाती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसको बेल लेनी पड़ती है, और बेल लेने के बाद फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर फाइल करवा देता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल करवा दे तो सबसे पहले आपको बेल लेनी चाहिए। या तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं जिससे आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेल ले सकते हैं जो गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वकील हायर करना है, उसके बाद हाई कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन देना है सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एफआईआर। अगर आपके खिलाफ झूठी फाइल की गई है तो जाहिर है कि आपके पास आपके बेगुनाही के सबूत भी होंगे, जैसे ऑडियो, वीडियो या फिर कोई अन्य जो प्रूफ हो उसको आपको साथ में लगाने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल करवा देता है कि आपने चोरी की है, तो आप उसके साथ बेगुनाही के सबूत लगा सकते हैं, जैसे कि आप जब चोरी हुई उस टाइम आप वहां पे थे ही नहीं, आप जिस जगह भी थे उस समय आप वहां का एविडेंस लगा सकते हैं। हाई कोर्ट में जब आप सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर सुनवाई होती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपने जो एफआईआर फाइल की है, आपने जो बेगुनाही के सबूत पेश किए हैं वो सही है, तो कोर्ट उस एफआईआर को कैंसिल करवा देती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में इनफ जो है प्रूफ नहीं करते हैं, कोर्ट को ये लगता है कि आप अपराधी है वास्तव में, तो कोर्ट आपके एफआईआर को खारिज कर देता है, जिसके बाद आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और आपका ट्रायल शुरू होता है। हाई कोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देते हैं झूठी एफआईआर से बचने के लिए, तो उसके दौरान पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है और न ही किसी प्रकार का टॉर्चर कर सकती है। हाई कोर्ट से अगर आपके फेवर में ऑर्डर आ जाती है तो आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर फाइल किया गया है उसको कैंसिल कर दी जाती है और इसके बाद आप पर कोई केस नहीं रहता। इसके बाद अगर आप चाहें कि अगर आप पर जिसने भी झूठी एफआईआर फाइल की है उसके खिलाफ आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि जिसने आप पर झूठी एफआईआर फाइल करवाया है और उसको आपको सजा दिलवाना है, तो आप सीआरपीसी आईपीसी सेक्शन 211 के तहत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।